नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो आज मैं ये वेलवेट सूट की कटिंग करने जा रही हूँ। तो इसे ये सूट है, ये फ्रंट है और ये बैक पार्ट है। तो इसे किस तरह से कटिंग करनी चाहिए उसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये 44 साइज़ का ये सूट कट करने जा रही हूँ। तो इसे ये फोल्ड कर दिया है और इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ 44 रखी है और 2 इंच जो है तैयार जो है 42 आएगा और 14 इंच पर इसे फोल्ड कर लिया है डबल फोल्ड में। अब नेक जो है इसका छोटा ही रहेगा बैक पार्ट का, तो ये शोल्डर 7 इंच रखेंगे क्योंकि नेक पर ही डिपेंड करता है। और आर्म होल की लेंथ 6 इंच है, इधर से भी 7 रहेगा और यहाँ से 6 आर्म होल की लेंथ। अब यहाँ पे बस्ट का 1/4 लेंगे तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद 2 इंच मार्जिन रहेगा। बस्ट का 1/4 रखा है और फिर ये बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं और यहाँ से 9 इंच और 14 इंच पर एक निशान लगाया। अब यहाँ 11 है तो यहाँ 1 इंच कम रहेगा, 10 10 साढ़े 10 तक रखा है, फिर 2 इंच मार्जिन और यहाँ हिप का 1/4 और 1.5 इंच मार्जिन। अब जो भी निशान लगाए थे उसे मिला देंगे। तो ये कटिंग का निशान है यहाँ और ये सिलाई वाली निशान है, यहाँ पे सिलेगा। दामन इसका 12 इंच का रहेगा, ये डबल फोल्ड में है, ऐसे खोल के 24 इंच तैयार आएगा और फिर इसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर तो वेलवेट वाले कपड़े में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्टिचिंग में भी, कटिंग में भी और स्टिचिंग में भी, क्योंकि ये बिल्कुल चिपक गया है कपड़ा और स्टिचिंग में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, अच्छे से स्टिच नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कटिंग और स्टिचिंग के समय। तो ये बैक पार्ट की कटिंग तो हो गई और अब फ्रंट की कटिंग करते हैं। तो ये इसमें डिज़ाइन बना हुआ है तो इससे डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छे से इसे सेट कर लिया है और इस पे बैक पार्ट को रखते हुए और बिल्कुल वैसे ही कट कर लेंगे और फ्रंट वाला जो आर्म होल का शेप है वो बाद में फिर लगा लेंगे। तो यहाँ से आर्म होल जो है ये इसकी जो गहराई है वो 6.5 पर रखिए और थोड़ी ये शेप लगाकर अब इसकी ये यहाँ से कटिंग कर देते हैं। अब ये बाजू के लिए कपड़ा बचा हुआ है तो बाजू जो है इसकी लंबी रहेगी, तो ये 17 इंच इधर से 22 इंच है जो कि सही है, बिल्कुल जोड़ नहीं पड़ेगा और इधर से 17 इंच के करीब है। तो इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे और यहाँ से लेंथ जो है 17 इंच रखेंगे और यहाँ पे 3.5 डाउन और फिर ये शेप लगा देंगे। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं बाजू की भी। तो ये वेलवेट सूट की कटिंग हो गई, तो ये इस तरह से बनकर आया है और इसके प्लाजो का भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो इसे ये राउंड नेक में बनाया है और ये सूट है, इसके बाजू में भी इस तरह से ये समोसे वाली लेस लगा दिया है 2 लेयर में, क्योंकि इसके दामन में ये लेस लगी हुई थी तो इस तरह से बाजू में भी लगा दिया है। तो वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।